हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बस नमस्कार, सभी लोगों का नमस्कार स्वीकार किया जाता है। 4 बजे उठ जाते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। 4 बजे उठने वाले बच्चों को नमस्कार। उठना ही है भाई सभी को, है ना? उठने के अलावा हमारे पास में कोई चारा नहीं है, क्योंकि आज नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे बताओ, है? तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। चलो, जब तक मैडम कनेक्ट होते हैं, मैं कुछ बच्चों को कनेक्ट करता हूँ। मैडम हमारे साथ में अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आप में से कुछ बच्चे को मैं कनेक्ट करने का कोशिश करता हूँ, और देखते हैं हमारे साथ में पहला बच्चा कौन कनेक्ट होता है आज। ओके, हेलो हेलो। आज मुझे लग रहा है थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है सभी बच्चों का। नहीं, सबका नेटवर्क सही है? क्या बात। नमस्कारम नमस्कारम सभी बच्चों का। चलो, तो सभी बच्चे उत्साहित है, तो हम एक हमारे खास है रसगुल्ले से आपको कनेक्ट करते हैं। तो हमारे साथ है इमरान। हेलो हेलो इमरान। सुन पा रहे हैं आप? कैसे सर। जी सर, हो? बढ़िया हो सर। आप मैं कैसे एकदम हो? बढ़िया हूँ। कैसी चल रही है ड्यूटी? कैसी चल रही अच्छी चल रही है है? सर, अच्छा आपका आशीर्वाद है। हाँ अच्छा कहाँ आईसीयू में हो पोस्टेड? सर, ट्रॉमा आईसीयू ट्रॉमा। सेकंड फ्लोर। तो इमरान जो आप इन कहाँ साथ सर? में, इमरान से हम नॉर्थ सेट के बारे में आज डिटेल से चर्चा करते हैं, और इमरान से हम जी प्रश्न सर, पूछेंगे। इमरान, वैसे तो जो है नॉर्थ सेट के बहुत सारे बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, और आपको बताइए अप्रैल में एग्जाम है, जी सर, कुछ बच्चों की तरफ से कुछ क्वेरी रहेगी यहाँ पे, और कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ। तो आपने जी सर, सबसे पहले आपने अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि आप कब सेलेक्ट हुए हैं, और आपने पढ़ाई कब की है, और क्या तरीका था आपका? सर मेरा नाम जैसे इमरान है। मैं सर जी जोधपुर के हूँ सर। मैं नॉर्थ साइड फोर में सिलेक्टेड हुआ था ओके सर। आपका ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ ओके अच्छा सर। मेरे रैंक 40 40 नॉर्थ साइड फोर में। अभी ओके सर एम्स जोधपुर में हूँ। एम्स जोधपुर में पोस्टेड हो। इमरान, सबसे पहला प्रश्न है, आप नॉर्थ सेट 4 में सेलेक्ट हुए, आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 200 में से? सर मैंने 177 किए थे 177 अटेम्प्ट किए, और आपकी ओवरऑल रैंक क्या रही? जी। मेरे 44 रैंक थे सर। 44। अच्छा इमरान, जब आपने ये नॉर्थ सेट का जब एग्जाम दिया, मतलब आपको क्या लग रहा, जब आपने 170 अटेम्प्ट किए तो आपको क्या लग रहा था कि सर लगभग सही होने की संभावना उस समय लगी जब एग्जाम देके आप निकले? सर मैं कॉन्फिडेंट था, हाँ हो इस बार हो जाएगा, पर ये नहीं था सर इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। अच्छी रैंक आ जाएगी। यही था सर, हाँ इस बार हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंट था सर। अच्छा, एक है कि जब एग्जाम में बच्चा बैठता है तो वो जब प्रश्न करने लगे तो उसको क्या तरीका फॉलो करना चाहिए, कैसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए पेपर को देते समय? सर मेरे अकॉर्डिंग 2 राउंड में करने चाहिए एक पेपर को। जो पहले जो आ रहे हैं कॉन्फिडेंट 100% है, हाँ ये तो मेरा राइट है, उसको सर कर ही लेनी चाहिए पहले। बाद ठीक है। में सेकंड है सर, जो जिसमें दो कंफ्यूजन है, दो आंसर मोस्टली ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें दो कंफ्यूजन रहते हैं, दो तो इन दोनों में से हो सकता है, वो सर अटेंड करना ही चाहिए सर। जो अपन फर्स्ट टाइम 100 अटेंड कर रहे हैं
100 से सिलेक्शन नहीं होते हैं नॉट एट में, अच्छा 200 अकॉर्डिंग, या अच्छा अपन 100 का भी 100 का क्वेश्चन आ रहा है, मैंने दिया उस टाइम 200 का था, 200 क्वेश्चन दो थे, सौ अभी 100 आ रहे हैं, हाँ अभी दो पार्ट में हो गया, पर क्वेश्चन तो अभी भी 200 ही देने पड़े। हाँ 200 देने पड़ेंगे। तो जिसको दो दो में कंफ्यूजन है उसको सर अटेंड करना चाहिए, उसको तो सर 1/3 माइनस मार्किंग है तो उसमें राइट होने के चांस ज्यादा है, ओके ठीक उसको तीन में से 4 में से एक राइट हो रहा है तो 0.25 दे के जा रहा हूँ, सही है। तो और जितने जिसमें दो आप अपन आपका कहना है हाँ कंफ्यूजन सर हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उसको कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए, दो में कंफ्यूजन है तो कर सकते हैं, जिसमें कुछ पता ही नहीं है उसको तो छोड़नी है सर। उसको छोड़ना ही है। अच्छा अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपने तैयारी की थी तो आपने थ्योरी जी ज्यादा जोर दिया या क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा की थी? सर, मैं पहले थोड़ी कंप्लीट की थी, थोड़ी मेरी एक बार पूरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैं रिवीजन करता था, एक बार थोड़ी पढ़ ली, कोई जैसे एमएसएन है तो उसका तो मैं टॉपिक वाइज करता था, एक सिस्टम पढ़ लिया उसके बाद उसके क्वेश्चन निकाल, अदर सब्जेक्ट थे उसकी पूरी थोड़ी पढ़ने के बाद में क्वेश्चन निकालता था अच्छा और जी इम्पोर्टेंट सर। है कि जब आप तैयारी कर रहे थे और उसके अंदर मतलब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि हम तैयारी करने करते समय एक बच्चे की क्वेरी रहती है कि मैं बुक्स कैसी पढूं या कौन सी बुक के क्वेश्चन करूं या कौन से बुक की थ्योरी पढूं, है ना? तो आपका सजेशन क्या है कि कोई एक बुक पर्याप्त होती है या आपको अपने तरीके से नोट्स तैयार करके सभी बुकों से और अच्छे तरीके से अपना कंटेंट क्रिएट करते हुए पढ़ना चाहिए, या वो किसी एक बुक पे भरोसा करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है? सर अपनी थोड़ी लिख के खुद, जैसे कोचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, खुद की थोड़ी नोट्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर, खुद के तो होने चाहिए कि अपन को इजीली समझ भी आ जाते हैं, और और उसके बाद बुक सर एक 10 बुक पढ़ने से उससे अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लें जी हाँ, तो मतलब अपने ही नोट्स को रिपीट करते रहे बार बार। जी सर, रिविजन मस्ट है, अपने नोट्स पढ़ेंगे इजीली समझ में भी आ जाएगा लिखा हुआ अपने क्या लिखा, और रिविजन रिकॉल भी इजीली हो जाता है सर। जरूरी हो जाता है। अच्छा एक इम्पोर्टेंट है कि जब अभी नॉट सेट में थोड़ा सिनेरियो बेस के क्वेश्चन आते हैं तो एनक्लेक्स बेस के जो क्वेश्चंस रहते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हो कि बच्चों को एनक्लेक्स बेस के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? एनक्लेक्स का क्वेश्चन जैसे प्रीत ठीक है सर, मेंस के लिए तो एनक्लेक्स बेस्ट आते हैं तो वो तो करने पड़ेंगे सर, कोई भी एक बुक उठा ले जिससे वगैरह तो उनमें से अच्छे से पढ़ लेगा। प्रैक्टिकल है जी सर। चीजों का कितना रोल रहता है नॉर्थ साइड के पेपर में? प्रैक्टिकल नॉलेज होना कितना जरूरी है बच्चे को? मतलब कुछ बच्चों का रहता है उनका हॉस्पिटल एक्सपोजर इतना है नहीं, और अब जी आज तो सर एक्सपोजर हो नहीं सकता, हॉस्पिटल जी सर है बिना भी क्या वो इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते उनको, या उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होना ही वही एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऐसा? तो सर बेनिफिट ही है, मगर नहीं होता, अभी बच्चे ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉर्थ साइड में आते हैं हमारे साथ है सर, आप पढ़ाते हो तो उसमें वो सब चीज आ जाती है कवर हो साथ में जाता है। अच्छा हमारी जी 6 जी सर बजे रोज क्लास होती है सीरीज की, तो जी सर वो क्लास तो आप देखते थे पहले सेलेक्ट होने से पहले? जी सर देखिए ऑनलाइन क्लास देखी सारी हूँ मैं देखी है। हाँ जी सर। तो ऑनलाइन जो क्लासेज रहती है एमसीयू क्लासेज का बहुत अच्छा रोल, अच्छा फायदा हुआ एग्जाम्स के अंदर, मतलब जी सर बिल्कुल, काफी क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़े हैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो रेगुलरिटी और जी के साथ में अगर बच्चा लगातार देखे तो उसको फायदा होगा, है ना? बिल्कुल सर, 100% फायदा होगा, सिलेक्शन होगा सर सिलेक्शन श्योर है। तो बच्चों इमरान जी। टॉप 50 रैंक के बच्चे और बहुत जबरदस्त इन्होंने तैयारी की थी अपने टाइम में, नॉर्थ सेट 4 में इनकी टॉप 50 रैंक थी और रैंक के साथ में सेलेक्ट होके आज जोधपुर एम्स का पूरा एचडीयू डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, और बहुत ही जबरदस्त और इंटेलिजेंट स्टूडेंट और काफी अच्छी इनकी तैयारी रही है। आज हमने इमरान से खास मुलाकात की है, और जितने भी हमारे नॉर्थ साइड के बच्चे हैं उनके लिए इमरान क्या सजेशन दोगे एक लाइन में कि उनको मतलब एग्जाम से पहले कई बच्चों का थोड़ा फोबिया होता है, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, अप्रैल आ चुका है, अब मैं कैसे करूं क्या करूं, तो उनको क्या गाइड करोगे आप अपने तरफ से? सर एग्जाम से पहले लगता है 2 दिन पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे कुछ याद भी नहीं है, एग्जाम में बैठोगे तो सब वो कुछ रिकॉल हो जाएगा, रिमाइंड होगा, एग्जाम देंगे सर हो जाएगा, और मतलब हिम्मत मतलब है हिम्मत रखने सर। कंसिस्टेंस कुछ स्टूडेंट होता है जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, कंटिन्यू रखेंगे जरूर होगा सर, मैं भी एवरेज स्टूडेंट था सर स्टार्टिंग में, अच्छा
मैं कर सकता हूँ सर, कोई भी कर सकता है कोई भी कर सकता है, मतलब निरंतरता जरूरी है, जरूरी नहीं आपका बहुत जी। ज्यादा होशियार होना, कोई जरूरी नहीं है, आप कंटिन्यू रखें, लगातार अच्छे पढ़ते रहें तो इमरान का मानना है कि सिलेक्शन श्योर है। सॉरी तो बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा इमरान आपसे बात करके, और आपने अपना थैंक के यू तो के लिए, और शायद आपकी ये बातें जो है इनको आने वाले इस नॉट सेट के एग्जाम में सफलता के शिखर तक ले जाए, तो आपने एक अच्छी कोशिश की, हम लोगों के साथ जुड़े और आपने बहुत अच्छा बच्चों को चीजें बताई, एग्जाम को अटेंड करने का तरीका बताया, तो जी सो मच इमरान, और इसी तरीके से मुस्कुरा सर, जिंदगी को एंजॉय करें। थैंक यू। थैंक यू।